हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फूलगोभी। तो उसके लिए क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मसाला फूलगोभी के लिए हमने एक बड़े साइज का फूलगोभी लिया है, एक बड़े साइज का प्याज, एक टमाटर, हमने आधा कप मटर लिए हैं। उसके लिए अदरक चाहिए होंगे और 5 से 6 हरी मिर्च। अब हम इन सभी चीज़ों को काट लेते हैं। सब्जी सारे काट लिए हैं, इस प्रकार से आप भी सब्जी को काट। मसाला गोभी के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी को गर्म कर लेंगे और फूलगोभी को हल्का सा उसमें बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हल्का सा हल्दी और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। पानी में जब एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपनी फूलगोभी को डाल देंगे। फूलगोभी को हमने इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। जब पानी में बॉयल आ जाए तब हम इसको डालेंगे। सिर्फ 2 मिनट कुक करना है, अब हम इसको डाल देंगे। गैस इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को कर देंगे हम अब बंद और हम इसको जल्दी से निकाल लेंगे पानी से। दोस्तों, जैसे आप इसको निकालें फूलगोभी को, तुरंत ठंडे पानी से इसे धो लें। सबसे पहले हम डालेंगे एक मक्खन का टुकड़ा। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन को मेल्ट होने देंगे पहले। जैसे मक्खन मेल्ट हो जाए हमने डाल देना है तेज़पत्ता। साथ में हम डालेंगे ये कुछ खड़े मसाले हैं। आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा। जैसी हमारी मसाले बन, अपना अदरक डाल लेंगे। अब डालेंगे हम अपना प्याज। प्याज का हम हल्का सा कच्चापन निकाल के इसके बाद इसमें हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। अब अपने हरे मिर्च कटे हुए, तो ये 1 चम्मच हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, प्याज हमारा देखिए अच्छा सब भुन गया है। अब हम डालेंगे अपना मटर। दोस्तों, ये हमने बनाया है 1 चम्मच हल्दी और मिर्च आवश्यकता अनुसार, इसका एक हमने पेस्ट बना लिया है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, नमक होगा आवश्यकता अनुसार। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हमें डालेंगे इसमें टमाटर। बीच बीच में से चलाते रहें ताकि मसाला चिपके ना नीचे। टमाटर डालने से मसाला चिपकने लगता है। दोस्तों, जब मसाला भुन जाए तो हमने लिया यहाँ पे 1/2 कप दही। दही को हमने फेंट लिया थोड़ा, ये पतला हो गया है। आंच को हम मीडियम हाई रखेंगे ताकि दही भी अच्छे से पक जाए। दोस्तों, मसाला हमारा ये रेडी है। देखिए मसाला पक चुका है और कलर भी बहुत बढ़िया कलर आ रखा है। इस स्टेज में हम अपना जो फूलगोभी रेडी किए थे ये डाल देंगे। तो आप अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथों से ताकि फूलगोभी ना टूटे। दोस्तों, ध्यान रखें मसाला नीचे चिपके ना, आप इसको हल्के हाथों से चलाते रहें।
दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के मीडियम आंच में पकाएंगे। इसको हल्के हाथों से एक बार चला लें। तो मसाला गोभी हमारा रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ में डालेंगे हम हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे एक बार। दोस्तों हमारा रेडी है मसाला फूल गोभी। दोस्तों रेडी है मसाला गोभी, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मसाला गोभी रेडी है। आप चावल या रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। उस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री राधे।